हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रॉयल रेसिपी जो कि रेस्टोरेंट की है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने इसको रेस्टोरेंट में खाया होगा, आज इसको हम अपने घर पर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने 1 kg चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 tbsp नमक, 1/2 tbsp ऐड करेंगे हम भुना और कुटा ज़ीरा, 1/2 tbsp हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 tbsp ऐड करेंगे हम रेड चिली पाउडर, 1/2 tbsp हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 tbsp ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम अच्छे से कोट कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सामान निकाल लिया है। 1/2 tbsp नमक, 1/2 tbsp जीरा पाउडर, 1 tbsp धनिया पाउडर, 1/2 tbsp लिया है हमने हल्दी, 1/2 tbsp लिया है हमने रेड चिली पाउडर, 2 से 3 हमने तेज़पात लिए हैं, 2 सिनेमन स्टिक के पीस लिए हैं, 1/2 tbsp लिया है हमने ज़ीरा, 2 tbsp लिया है हमने नारियल पाउडर, 15 से 20 हमने काजू लिए हैं, 10 से 11 हमने बादाम लिए हैं, 4 हमने छोटी इलायची ली है, 1 हमने बड़ी इलायची ली है जिसका हमने छिलका उतार दिया है, हमने जावित्री ली है, 4 से 5 लौंग, 1 लिया है हमने जायफल, 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिया है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, 250 ग्राम लिए हमने दही। हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। 2 सर्विंग स्पून भरकर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, ये वही तेल है। हमने सारा जो चिकन है इसमें अरेंज कर दिया है, इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, इसको हम अलट पलट करते रहेंगे, हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हम सारे खड़े गर्म मसाले डालेंगे और इसको चलाएंगे। इसी के साथ इसमें 1 tbsp जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सारे पाउडर मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें हमने पानी भी ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। जो हमने नट्स का पेस्ट बना के रखा था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। ये मसाला साथ में भुन जाएगा। हम इसको हल्के हाथ से चलाएंगे। हम इसमें जो हमने ब्राउन की थी प्याज वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है अच्छे से पक चुका है। हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर दी है और फ्रेश मलाई ली है हमने, वो भी ऐड कर दी है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।